गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अरे यार, ये प्रिंसिपल सर भाषण देते देते खुद क्यों नहीं बेहोश हो जाते जैसे हम लोग होते हैं? शोर मत करो बच्चों, पढ़ाई बहुत जरूरी है। जैसे छोटा भीम की जिंदगी में इंदुमती और चुटकी। लड्डू खाना तो बहाना है, असल में छोटा भीम को चुटकी से मिलने जाना है। अरे यार सर, कितना भाषण देंगे, इनको दिखता नहीं कि कितनी धूप है। पढ़ाई की बात करके पढ़ने ही नहीं दे रहे। हम सालों से देखते आ रहे हैं, लेकिन हमने कभी नोटिस नहीं किया कि नोबिता के असली पिता जियान है और जियान का चचेरा भाई कालिया। अरे मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे अरे, प्रिंसिपल सर सबकी हालत खराब करके रखते हैं। भाषण खुद दे रहे और भुगतना सर को पड़ रहा है। अरे पागल है क्या, इससे अच्छा तो बेहोश हो जाता, मुझ पे ही उल्टी कर दिया। अरे पेंटिंग देखनी है, सर का शर्ट देख लो। अरे यार क्या बोल रहे हो, लेकिन मजा बहुत आया। ठीक कह रहे हो, अब सर इस खूबसूरत पेंटिंग को दीवार पे फ्रेम करके लगाएंगे। अरे अरे, ये लोग कितना मजाक उड़ाते हैं सर का। राहुल, तुम्हें मेरी ये हालत देख के हंसी आ रही है? लेकिन सर मैं तो हंसा ही नहीं। अब झूठ भी बोलने लगे हो तुम। अरे सर मैं सच कह रहा हूँ, मैं कब हंसा, ये दोनों हंस रहे थे। क्या यार राहुल, तुम फंस गए तो हमें फंसा रहे हो। अबे गिरगिट हो क्या? बेशरम, गुरु की इज्जत करनी चाहिए। अरे सर पर मार क्यों रहे हो, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। झूठ, फिर झूठ। अरे पर मैं सच कह रहा हूँ, मैं कब हंसा। लाइन से बाहर आओ, साइड खड़े रहो तुम। अरे पर मेरी बात सुनिए, मैं नहीं हंसा, वो दोनों हंसे। राहुल जैसा सर बोल रहे हैं वैसा करो। अरे यार आज का दिन ही खराब है। ढोलकपुर के राजा को राज संभालने नहीं आता, 24 घंटा भीम 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 करते रहते हैं। अगर आप भी पढ़ाई नहीं करोगे तो आप इसी तरह धुएं करते रहोगे। आज की असेंबली यहीं समाप्त होती है, आप सभी अपने अपने क्लास में जा सकते हो। फाइनली सर का भाषण खत्म हुआ, पूरा शर्ट गंदा कर दिया। अब तो असेंबली भी खत्म हो गई, पता नहीं सर मेरा क्या करेंगे। राहुल तुम बदमाशी करते हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम टीचर्स का भी मजाक उड़ाते हो। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने मजाक नहीं उड़ाया, मैं नहीं हंस रहा था। अपनी गलती भी कबूल नहीं कर रहे हो तुम, मुझे गुस्सा मत दिलाओ राहुल। सर इसे एक वीक के लिए सस्पेंड कर दीजिए, तब इसे अपनी गलती का एहसास होगा। लेकिन सर मुझे कुछ नहीं सुनना है राहुल, जाओ अपने क्लास और कल से स्कूल मत आना। पैक कर दो सस्पेंड, कुछ तो मैंने किया ही नहीं। और अच्छा ही है, एक वीक के लिए घर पे आराम करूंगा, स्कूल में आके दिमाग खराब कर दिया है इन लोगों ने। अरे मेरा बैग कहाँ गया? राहुल उधर देखो। किधर? अरे यार सुबह से यही हो रहा है, पहले प्रिंसिपल सर, फिर सर, और अब इन लोगों ने भी मेरा बैग उधर फेंक दिया। राहुल लगता है तुम तो अपने डेस्क का रास्ता भूल गए थे, इसलिए बैग उधर रख दी। अरे तुम्हें समझ नहीं आता क्या, कितनी बार कहा है मेरे बैग को हाथ मत लगाया करो, हर बार यही करते हो। अरे भाइयों राहुल का गुस्सा आ रहा है, जरा देखते हैं। डरा किसको रहे हो, मैं नहीं डरता किसी से, आना है तो एक साथ आओ। अच्छा लगता है याद नहीं, पिछली बार डेस्क के अंदर डाल के मारा था। अरे पर उस वक्त तुम लोग 10 थे, आज उससे कम हो, आज मैं अकेला ही देख लूंगा। अरे चलो चलो सर आ गए। बच्चों आज मैं हमारे क्लास के एक नए स्टूडेंट से तुम सभी को मिलवाना चाहता हूँ। आयशा ऊपर आ जाओ। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। हेलो, मेरा नाम आयशा है और मैं आज ही आई हूँ। बच्चों आज से आयशा हमारे साथ ही पढ़ेगी, तुम सभी इसकी हेल्प कर देना। जाओ आयशा बेंच पे बैठ जाओ। अरे ये तो इधर ही आ रही है, अरे ये तो मेरे पास बैठ रही है। हेलो तुम्हारा नाम क्या है? अरे नाम तो बताओ। राहुल। आज से हम दोनों फ्रेंड्स। पूरी जिंदगी किसी लड़की ने आज तक भाव तक नहीं दिया, और आज इतनी खूबसूरत लड़की सामने से फ्रेंड बना रही है, वाह। यार मुझे क्या पता था सुबह सस्पेंड होऊंगा और थोड़े देर बाद इतनी प्यारी सी लड़की मुझे दोस्त बना लेगी। अब मुझे एक हफ्ते के लिए घर नहीं जाना, अगर मैं घर में रहा तो उसका कोई नया बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। हे भगवान कुछ ऐसा करो कि मेरा सस्पेंशन कैंसिल हो जाए। राहुल तुम यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? यार आयशा मैं क्या बताऊँ, मैं एक वीक के लिए सस्पेंड हो गया। सुबह सुबह दीपक ने सर पे उल्टी कर दी,
तो आनंद उस पे हंस रहा था। सर ने मुझे देख लिया और मुझे सस्पेंड कर दिया। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। अरे नहीं नहीं, तुम मेरे लिए बुरा फील मत करो, ये तो मेरे साथ होता ही रहता है। हर बार सभी मुझे ही फंसा देते हैं, क्लास में मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। मैं हूँ ना तुम्हारी दोस्त राहुल। अरे तुम तो हो ही। अरे ये कितनी प्यारी है, लगता है यही है मेरी जीवन साथी। जल्द ही इसे प्रपोज कर दूंगा और इसका कोई बेस्ट फ्रेंड बनने नहीं दूंगा। क्या सोच रहे हो राहुल? मेरी शादी के बारे में। क्या मतलब? अरे कुछ नहीं, मैं सोच रहा था तुम्हें घर छोड़ दूं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा छोटा भाई आ रहा है मुझे लेने। अरे ये तो और भी अच्छी बात है, भाई भी छोटा है, बीच में नहीं आएगा। कहाँ हो आयशा, चलो। लगता है भाई आ गया। जरा देखूं साले साहब कहाँ है। अरे बाप रे, ये छोटा भाई है। आयशा ये कौन है? भाई ये मेरा नया दोस्त है। नया दोस्त दोस्त बन के ही रहे तो अच्छा है। पलट 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 जा। पलटी। बाय राहुल। बाय आयशा, एक वीक बाद मिलते हैं। खाना खा लो। अभी खाना खाने का दिल नहीं कर रहा है मम्मी, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। राहुल हर दिन हमारे साथ मजाक करता है और आज हम लोग उसके साथ करेंगे। क्रिकेट में भले ही वो आज आउट ना हो, लेकिन फिर भी हम लोग उसको आउट कह देंगे। राहुल नीचे आओ, चलो खेलने चलते हैं। अरे ये लोग आ भी गए, क्या हुआ? अरे राहुल आज मैच है, उसके लिए प्रैक्टिस भी करना है। चलो भाई कितनी देर करोगे? नहीं यार, आज मेरा खेलने का दिल नहीं कर रहा, तुम लोग जाओ, मैं नहीं आऊँगा। अब भाव क्यों खा रहे हो, चलो भी। टीम पहले से डिसाइड हो चुका है, अगर तुम नहीं आओगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आता हूँ। क्या यार राहुल, क्रिकेट खेलने से मना कर रहे हो, तुम्हारी पहली बैटिंग है आज। हाँ यार बात तो सही है, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा था, लेकिन चलो अब आ ही गया हूँ तो चलते हैं। राहुल रेडी? हाँ हाँ रेडी, बॉल डालो। आउट हो गया। अरे क्या कुछ भी बोल रहे हो, मैं कब आउट हुआ, विकेट पे तो बॉल ही नहीं लगी। नहीं भाई झूठ मत बोलो, आउट है। अरे पागल वागल हो क्या, आउट कैसे हो गया? ऐसे चीटिंग होगा तो हम नहीं खेलेंगे। आखिर हो क्या गया है तुम लोगों को, खुद ही चीटिंग करते हो और खुद ही कहते हो नहीं खेलेंगे। यार राहुल खेलना है तो अच्छे से खेलो, तुम आउट हो। ठीक है मैं आउट हो ना, तो मैं जा रहा हूँ घर, खुद ही खेलते रहो। आज इसे क्या हो गया, हमेशा तो ये मजाक के मूड में रहता था। अरे वो आज स्कूल में सस्पेंड हो गया ना, इसलिए शायद मूड खराब होगा। स्कूल से सस्पेंड होने के बाद मूड तो और अच्छा हो जाता है, फिर इसका खराब क्यों है? वो तो राहुल ही जाने। राहुल के साथ आगे क्या होगा ये जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करना। सफर पार्ट 11 बहुत जल्द आ रहा है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दो। 15,000 लाइक्स का एम है तो पूरा कर देना। एंड हाँ कुछ नया ट्राई किया है तो प्लीज से सपोर्ट करना।